दोस्तों बताना चाहूँगा, साल 2023 में यहाँ इस तिब्बत मार्केट में पहली बार आकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि यहाँ तिब्बत मार्केट में जितने भी लोग हैं बड़े ही साफ दिल के हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं। ऐसे में यहाँ पर विजिट करते हुए, इस प्लेस में ख़रीदारी करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिलहाल हम और अंकित बहुत ही खास जगह पर आपको लेके जा रहे हैं। बेसिकली हमारे जमशेदपुर के फेमस गोलमोरी में हर साल तिब्बत मार्केट लगता है। तो साल यहाँ 2023 में इस बार जो तिब्बत मार्केट लगा है कैसा लगा है आपको सारा जानकारी बताएंगे और दिखाएंगे। और फिलहाल अभी अंकित जो है महाराष्ट्र नासिक से आए हैं साई शिरडी का दर्शन करके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है क्या? हाँ, तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि तिब्बत मार्केट कैसा लगा। हाँ, कैसा है, बने रहिए। तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में, और ये आपका हार्दिक स्वागत करता है। और यहाँ पर पार्किंग का अच्छा खासा फैसिलिटी है, तो हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है सिर्फ 10 रुपया में। और फिलहाल अभी अंदर को चलते हैं। और तो दोस्तों आज बेसिकली ये धनतेरस का दिन है, ऐसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा फेमस तिब्बत मार्केट में थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर से जो टाइम ये काफ़ी हो चला है, और हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। और यहाँ पर हर साल आपके लिए एक से एक कलेक्शन आता है, तो इस बार भी आपको सारा जानकारी बताते हैं। और यहाँ पर आपके लिए मार्केट में खास क्या चीज़ उपलब्ध है ये भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में यहाँ हमारे जमशेदपुर का फेमस तिब्बत मार्केट में कुल 90+ स्टॉल्स को लगाए गए हैं खास आप लोगों के लिए। और इस बार जो कलेक्शन आए हैं बहुत ही बेहतरीन आए हैं। और जैसे मैं बता रहा था, आज ये धनतेरस का दिन है, ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो आम जनता है फ्रॉम आवर जमशेदपुर वे सभी बाज़ार में हैं और सभी ख़रीदारी कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस तिब्बत मार्केट में आइएगा। और ये जो तिब्बत मार्केट है ये खास आप लोगों के लिए लगता है, सभी जमशेदपुर वासियों के लिए लगता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कलेक्शन है एक से एक होंगे। फॉर मोर डिटेल्स लेट्स विजिट। तो दोस्तों वेलकम टू तिब्बत मार्केट जमशेदपुर। तो जैसे मैं बता रहा था, साल 2023 में यहाँ पर फ़िलहाल आपके लिए टोटल 90+ स्टॉल्स को लगाए गए हैं खास आप लोगों के लिए और जमशेदपुर के तमाम लोगों के लिए। और यहाँ पर बेसिकली हमारे जमशेदपुर में ये जो तिब्बत मार्केट लगता है हर साल को नवंबर के महीने में लगता है, और इस वक्त जो बाज़ार ये पूरी तरह से सज चुका है आप लोगों के लिए, खास जमशेदपुर के तमाम लोगों के लिए। तो फ़िलहाल हमें भी ज़रूरत था, क्योंकि ठंडा जो है वो लग चुका है, आ चुका है। और ऐसे में क्या बोला आपने, बता रहे हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके थैंक यू। और जैसे कि मैं बता रहा था दोस्तों, यहाँ तिब्बत मार्केट में हर साल बहुत ही उच्च क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का जो गारमेंट्स होता है, जो कपड़े होते हैं गर्म कपड़े, वो यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा एक ही छत के नीचे अंडर वन रूफ यहाँ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको खास जानकारी देना था कि यहाँ पर जो भी आपको कपड़े मिलते हैं, चाहे वो बच्चा के लिए हो, बड़ों के लिए हो, बुज़ुर्ग के लिए हो, या फिर ख़ास आपके लिए हो, उसका जो रेट होता है यहाँ पर फिक्स होता है और वो किफ़ायती होता है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम आपके रेंज का होता है। तो यहाँ पर आने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। प्लस यहाँ पर जो भी आपको कपड़ा मिलता है ये हाई क्वालिटी यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला मिलता है, ऐसे में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगा। और हम हर साल यहाँ पर आते हैं और जो भी हमें कपड़ा मिलता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वालिटी का मिलता है और फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। खास जानकारी देना था कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये हमारा जमशेदपुर का फेमस गोलमोरी के सर्कस मैदान में लगता है हर साल की भांति। एंड इसका जो टाइमिंग होता है ये रोज़ाना मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के इवनिंग में 9:30 बजे तक ये चलता है। तो आप लोग मॉर्निंग का 9 से लेकर के शाम का 9:30 तक यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अच्छा अच्छा कपड़ा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एंड सभी लोगों के लिए एक से एक यहाँ पर आपको कपड़ा मिलेगा। और हर तरह का यहाँ पर वैरायटी अवेलेबल होता है हर वर्ष, और इस बार भी। और इस बार थोड़ा सा कलेक्शन बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर,
तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। और फिलहाल हम लोगों ने जो कपड़ा पहना है वो भी तिब्बत वाला ही है, एंड अगेन इस साल भी आए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत था छठ के लिए, दिवाली के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ एक से एक अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी आओ और इस तिब्बत मार्केट का रौनक बढ़ाओ। दोस्तों, अगर मैं यहाँ इस तिब्बत मार्केट में फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा खासा ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी है और आपके लिए एक खास CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट है, बाद बाकी आप ऊपर से कर सकते हैं। हाँ, जो ट्रायल आप ऊपर से ज़रूर से कर सकते हैं, एंड जो इनर वेयर होगा वो सब नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इनर वेयर होता भी नहीं है, आप जो यहाँ पर कपड़ा लेते हैं वो बाहर वाला होता है। तो आप इसको यहाँ बिल्कुल से ट्रायल कर सकते हैं, एंड आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा, उसको आपको बाहर ही करना पड़ेगा, एंड बाद बाकी सब प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था, जितने भी कपड़े हैं सबका फिक्स्ड रेट है, आपको बर्गेन नहीं करना पड़ेगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कपड़ा का जो क्वालिटी है उतना ज़बरदस्त होता है। एंड बिसाइड दिस, ये लोग काफ़ी दूर से आते हैं, ऐसे में इनका भी थोड़ा सा मुनाफा होना चाहिए, और वो सब डिपेंड करता है आपके आने से, आपके आ जाने से। और दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हर एक रो में, बेसिकली यहाँ पर 3 रो है और हर एक रो के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा स्टॉल कहाँ पर है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉल पर जाना होगा तो आप इसके सहारे जा सकते हैं। एंड जैसे कि मैं बता रहा था, इसका जो टाइमिंग होगा, ये रोज़ाना मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के इवनिंग में 9:30 बजे तक चलता है। और यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटी है, पार्किंग का भी अच्छा खासा फैसिलिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो कलेक्शन हर बार आता है वो बड़ा ही कमाल का आता है, बड़ा ही ज़बरदस्त आता है, एकदम शानदार वाला आता है। तो आप लोग आ सकते हैं ये सब ख़रीदने, एंड मुझे तो पूरा यकीन है अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई निराशा नहीं होगा, आपको कोई हताशा नहीं होगा, बल्कि आप खुश होकर के जाएंगे क्योंकि इनका जो कपड़ा का जो क्वालिटी होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है। ऐसे में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और ये जो तिब्बत मार्केट है, ये आज का नहीं है बल्कि इसका जो रिश्ता है हमारे साथ, हमारा जमशेदपुर के साथ में, ये काफ़ी दिनों का है, काफ़ी वर्षों का है। तो ऐसे में इनका जो विश्वास से हम पर बना हुआ है, इनका जो प्रोडक्ट है ये हाई लेवल का होता है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को और एक खास चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ इस तिब्बत मार्केट में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ में आते हैं तो यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, सबके लिए मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार और उच्च क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस तिब्बत मार्केट, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट पीपल कम हियर एंड विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर। और एक चीज़ बताना था दोस्तों कि ये जो तिब्बत मार्केट है, इसका जो लोकेशन है, बोले तो इसका जो जगह है, ये छोटा सा है, तो यहाँ पर आपको इस प्लेस को विजिट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप विद इन 1 आवर इस एरिया को आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है अलग अलग लड़कियों पर, बोले तो अलग अलग गर्ल्स पर, क्योंकि जनरली जो गर्ल्स होते हैं बड़ा ही चूजी होते हैं, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छी निगाहों से देखते हैं, उनके अगर जबान में कहें तो बड़े ही तीखी निगाहों से देखते हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय लगता है चीज़ों को परखने में, जानने में, समझने में, ख़रीदने में। एंड अगर आप सिर्फ लड़कों के साथ आते हैं तो विद इन 1 आवर आप अपना चीज़ को ख़रीद लीजिएगा। जैसे कि हमने सिर्फ 1 घंटा के अंदर में अपने लिए एक स्वेटर ख़रीदा सिर्फ 1300 रुपया में। तो ये छोटा जगह है और आप इजीली आपको जो भी ख़रीदना होगा आप इसको ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर सारा बेसिक फैसिलिटी है, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पीने का पानी है, CCTV है, वाशरूम है, एंड जगह छोटा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आपको मज़ा ही आएगा। और एक खास चीज़ बताना था दोस्तों कि यहाँ के जो लोग हैं, नो डाउट ये बाहर से आए हैं, एंड मैक्सिमम फ्रॉम आवर इंडिया। तो आपको लगेगा कि जो लैंग्वेज है, आपको कम्युनिकेट करने में, आपको बात करने में दिक्कत होगा, बट ऐसा नहीं है, दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंटली।
तो हिंदी भी अच्छे से जानते हैं एज वेल एज जो इंग्लिश है वो लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर फॉर यू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर अपना भाषा संवाद में, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं और आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने इस गोलमुरी का तिब्बत मार्केट का दौरा कर लिया है और हमें जो ख़रीदना था हमने ख़रीद लिया है और यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं स्टॉल वाले सबका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, जेंटल है एंड फ्रेंडली नेचर के हैं वो लोग, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एंड यहाँ पर इस बार जो कलेक्शन आया है काफ़ी ज़बरदस्त आया है और इसका जो टाइमिंग होगा रोज़ाना ये सुबह में 9 बजे खुलेगा और इवनिंग में 9:30 बजे तक चलेगा, तो इस बीच में आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अभी ये अगले जनवरी फरवरी तक लगे रहेगा, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं और इस तिब्बत मार्केट का आप लोग दौरा कर सकते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिला होगा। और इसी के साथ आज के आप लोग का पार्ट पेपर ख़त्म करते हैं और मेरा आप सबसे गुजारिश है यदि मेरे चैनल पर नहीं होती कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यार सब लोग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।